हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सरी टू आवर सिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स इन जावा। तो डेटा टाइप पढ़ने से पहले देखते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा में जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई है, 10, 327, 67, 842, 100.75, 25.37, स्मॉल ए, कैपिटल ए, एट द रेट और हेलो वर्ल्ड। अब ये कुछ वैल्यूज़ हैं, अलग अलग हैं, हम इनको क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप कर सकते हैं, कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ इनको टाइप डिफाइन किया गया है जावा में। ये मेनली चार तरीके के होते हैं, वैसे तो ये आठ हैं टोटली, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल एंड बोलियन, बट इनको कैटेगराइज करके मेनली चार तरीके में डिवाइड किया है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बोलियन। अब इंटीजर में क्या होता है कि जैसे हम पिछले स्लाइड में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10, 327, 67, 842 और ऐसे करके जैसे 100, 1024 और ऐसे कुछ वैल्यूज़ हो सकती है, वो इंटीजर में आती है जहाँ पे दशमलव नहीं आता। जैसे कि सेकंड लाइन में देख सकते हैं आप 100.75, यहाँ पे ये दशमलव वाली वैल्यूज़ है या नंबर्स हैं, ये आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स में। तो ये मेन डिफरेंस हो गया इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट या रियल वैल्यूज़ जिनको बोलते हैं। तो जो रियल वैल्यूज़ या फ्लोटिंग पॉइंट होती है, जहाँ पे दशमलव या फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ आती है, वो आती हैं फ्लोटिंग पॉइंट में। ये दो होती हैं, फ्लोट और डबल। और इसके अलावा जो सिंपल वैल्यूज़ होती हैं बिना दशमलव या बिना फ्रैक्शन वाली, वो होती हैं इंटीजर। और ये चार तरीके की होती है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। इसके अलावा जो सिंगल कैरेक्टर हैं, जैसे स्मॉल ए, कैपिटल ए या एट द रेट, या इसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल हो या सिंगल कैरेक्टर जो भी होते हैं, वो आते हैं कैरेक्टर में। तो ये कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप हो गया। इसके अलावा एक होता है बूलियन। बूलियन में सिर्फ दो वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ये मेनली कंडीशंस को स्टोर करने के लिए होती है। तो इस तरह से करके हम चार कैटेगरीज में पूरे डेटा टाइप्स को या जो भी डेटा होता है उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर्स और बूलियन में। अब इनमें देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स भी फर्दर चार तरीके के होते हैं, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। अब ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी ज़रूरत के हिसाब से इनकी रेंज अलग अलग होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइट है वो 8 बिट का है, यानी 1 बाइट का है, और जो लॉन्ग है वो सबसे ज़्यादा 64 बिट या 8 बाइट का है। अब इनमें ये रेंज है, रेंज से मतलब ये है कि अगर आपको कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे मान लीजिए आपको 128 नेगेटिव में लेके और 127 पॉजिटिव में स्टोर करनी है, तो आप बाइट यूज़ कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू आपको स्टोर करनी है तो आप शॉर्ट यूज़ करेंगे। और ऐसे ही करके अगर आपको इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे कि आप यहाँ पे एक बड़ी रेंज देख सकते हैं जो कि ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो अगर ऐसी वैल्यूज़ का आपको स्टोर करना है तो आप लॉन्ग यूज़ में लेंगे। अब अगर आपको सिर्फ एक छोटी सी वैल्यू स्टोर करनी है तो आप इतनी बड़ी रेंज तो स्टोर, इतना बड़ा डेटा टाइप तो लेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा डेटा टाइप लेंगे और आप ओनली 100 स्टोर कर रहे हैं तो वो मेमोरी का वेस्टेज होगा। तो बेटर है कि हम अपनी साइज़, जो भी डेटा की साइज़ है उसके अकॉर्डिंग जो डेटा टाइप है वो डिफाइन करें और उसी में डेटा को स्टोर करें। तो ये इस तरह से अलग अलग करके डेटा टाइप है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव स्टोर होती है, मतलब आपने एक बार डेटा टाइप डिफाइन कर दिया उसके बाद में आप वैल्यूज़ को नेगेटिव या पॉजिटिव में स्टोर कर सकते हैं। क्या होगा अगर हम लोग इससे बड़े डेटा को स्टोर करें, अगर छोटी वैल्यूज, मान लीजिए मैं 327678 जो कि नेगेटिव या पॉजिटिव में, इस रेंज का कोई डेटा अगर मैं बाइट में स्टोर करूँ तो क्या होगा? अभी जो जावा है वो इतना एडवांस है कि वो पहले तो कंपाइल टाइम एरर दे देगा, फिर भी अगर आप इसको फोर्सफुली जो शॉर्ट रेंज की वैल्यू को अगर बाइट में स्टोर करेंगे तो वो इसको राउंड करके इसी रेंज में ले आएगा। वो हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे ये करता है। तो अल्टीमेटली वो इसी रेंज का डेटा स्टोर करेगा और अदरवाइज तो वो एरर दे देगा। तो इस तरह से करके हमें, हमारे पास में ये चार
डेटा टाइप्स हैं इंटीजर में। ऐसे ही करके हमारे पास में फ्लोटिंग पॉइंट के दो डेटा टाइप हैं, फ्लोट और डबल। फ्लोट 32 बिट यानी कि 4 बाइट का डेटा स्टोर करेगा और ये 8 बाइट का डेटा स्टोर करेगा, और इनकी रेंज ये है जो कि डेसिमल पॉइंट्स में होती है। तो अगर हमें ओनली 32 बिट का डेटा स्टोर करना है या इससे कम का डेटा स्टोर करना है तो हम लोग लेंगे फ्लोट, और अगर हमें इससे बड़ा डेटा स्टोर करना है तो हम डबल काम में लेंगे जो कि 8 बाइट का होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये डबल टाइप का होता है जो कि हमें फिर फ्लोट में कन्वर्ट करना होता है, वो हम देखेंगे कैसे हम लोग प्रोग्राम में इसको लिखते हैं। इसके बाद में आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर 16 बिट या 2 बाइट का होता है जिसकी रेंज होती है 0 से लेके 65536 तक, या हम कह सकते हैं कि 65536 तक ये स्टोर कर सकता है कैरेक्टर्स को। अब इसमें 0 से लेके 127 तक तो जो ट्रेडिशनली हमारे पास में ASCII वैल्यूज़ होती हैं वो इसको स्टोर करता है, और उसके आगे फिर जो स्टैंडर्ड लैटिन 1 या जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम यूनिकोड भी कहते हैं वो उसको स्टोर करता है। तो ये 0 से लेके 255 तक होती है ये रेंज। और इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, क्योंकि हमने अगर जावा पढ़ी है तो हमने देखा होगा कि वहाँ पे 1 बाइट होता है, वहाँ पे हमारी लिमिट सिर्फ इतनी होती थी 0 से लेके 255 तक। पर अब क्योंकि ये 16 बिट का हो गया तो हमारी रेंज बहुत बड़ी हो गई है, तो इसमें हम किसी भी टाइप का कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। तो अब ये इसीलिए इसको यूनिकोड भी बोलते हैं। तो इसमें चाहे तो ASCII हो, लैटिन हो या फिर कोई भी कैरेक्टर, हम सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टर टाइप का होता है। इसके बाद में होता है बूलियन। बूलियन में सिर्फ ये होता है ये ट्रू और फॉल्स को स्टोर करता है। तो हम अगर कोई कंडीशन जनरेट कर रहे हैं या कंडीशंस को चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग ट्रू और फॉल्स देखते हैं, तो उनको स्टोर कर सकते हैं हम बूलियन टाइप के कैरेक्टर में। तो ये हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा कुछ होता है, उसका कुछ टाइप होता है, हम उसको टाइप डिफाइन करते हैं ताकि हमें ये पूरे प्रोग्राम में पता रहे कि किस टाइप का ये डेटा है, और फिर उसी से हम उसको आगे प्रोसेस करते हैं। अब देखते हैं वेरिएबल्स क्या हैं। वेरिएबल्स एक्चुअली में एक तरह का नाम हो गया किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। जैसे डेटा टाइप एक होगा और फिर उसका कोई नाम होगा जहाँ पे हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे। अगर हमने एलजेब्रा पढ़े तो वहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी सी कोई भी वेरिएबल हम लोग लेते हैं, ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें कोई वैल्यू असाइन करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एक सिंटेक्स लिखा हुआ है, पहले उसका टाइप होगा जैसे वो इंटीजर है या फ्लोट है, और फिर उसके बाद में उसका नाम होगा जैसे मैक्स है या मिन है या फिर परसेंटेज या फिर कोई भी वैल्यू होगी उसका नाम होगा, उसके बाद में उसकी वैल्यू होगी। वैल्यू या तो हम लोग उसके डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज कर दें या फिर बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये एक सिंटेक्स हो गया, पहले उसका टाइप होगा उसके बाद में उसका नाम होगा और फिर उसकी इनिशियल वैल्यू होगी, या फिर वो सिर्फ नाम ही होगा। जैसे कि यहाँ पे इंटीजर है, फिर एक मैक्स हमने वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू हमने लिख दी 100, उसके बाद में एक मिन वेरिएबल डिक्लेयर किया लेकिन उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया। ऐसे एक फ्लोट वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने एफ रखा और उसके बाद में 100.75 ये उसकी वैल्यू हो गई, उसके आगे एफ लगाया क्योंकि हमने अभी बात की थी कि जो फ्लोट वैल्यूज होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट डबल फॉर्मेट में होती है, तो उसको फ्लोट में हमें कन्वर्ट करना होता है तो लास्ट में एफ लगाना होता है। तो इस तरह से करके हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। अब वेरिएबल बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। एक तो ये होता है कि वो अल्फ़ाबेट नंबर डॉलर साइन और अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं मैक्स एम मिन 001 वेल डॉलर या फिर माई नंबर बीच में अंडरस्कोर हमने लगा दिया। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो नंबर के अलावा अल्फ़ाबेट डॉलर और अंडरस्कोर हो सकता है, नंबर नहीं हो सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे PER जिसमें P एक अल्फ़ाबेट है, वैसे ही डॉलर वेल जिसमें डॉलर एक स्पेशल साइन है, ऐसे ही अंडरस्कोर सैलरी डॉलर अंडरस्कोर अमाउंट अंडरस्कोर 001, तो ये सब तो वैलिड है लेकिन जो लास्ट वाला लिखा हुआ है 01 सैलरी ये इनवैलिड है। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते।
इसके बाद में होता है कि इसके बीच में कोई भी ऑपरेटर नहीं आएगा, जैसे num प्लस वैल या फिर my एट द रेट परसेंटेज, तो इस तरह से कोई भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे। और लास्टली होता है कि ये क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमने एक वेरिएबल लिया मैक्स एम एक्स, तो भी एम एक्स को मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, जहाँ पे कभी एम बड़ा है, कभी ए बड़ा है, और कभी एक्स और कभी तीनों बड़े हैं। जैसे मैक्स है, इसमें सारे छोटे हैं, इसमें सारे कैरेक्टर बड़े हैं, इसमें ए छोटा बाकी बड़े हैं, तो इस तरह से करके कॉम्बिनेशन बनाए। ये सारे ही टोटली डिफरेंट ट्रीट होंगे जावा में, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है, तो सबको अलग अलग तरीके से लेती है। तो आप इस तरह से करके अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो वेरिएबल बनाते समय हमें ध्यान रखेंगे, और बाकी इन चीज़ों के बारे में हम लोग आगे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे किस तरह से ये बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं nur2vr@gmail.com। आप हमें लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। Thanks for watching. Stay tuned.